ये मैकेनिक का आई बूट बॉक्स है ये। आई बूट बॉक्स मतलब ये बैटरी कनेक्टर के लिए केबल आता है, इसके साथ में पूरा भी सेट आता है। ये मैकेनिक कंपनी का है, आई बूट बॉक्स बोल के है। इसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन का केबल है, ये पूरा भी सभी भी एंड्रॉयड फ़ोन का है। ये आप पावर सप्लाई के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इधर इधर देखिए, पावर सप्लाई पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इधर। और इसके अंदर डायरेक्ट चार्जर पे भी लगा सकते हैं आप। ये देख, ये चार्जर पर भी चलता है और पावर सप्लाई भी चलता है, दोनों पर भी काम करता है ये वाला। अभी हम चेकिंग के लिए एक फ़ोन कनेक्ट करके देखेंगे इसके अंदर कैसा कनेक्ट करना है बोल के। अगर किसी के पास पावर सप्लाई नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं। ये पावर सप्लाई जैसा ही काम करता है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी रीडिंग शो करता है। इधर जो एम्पेयर दिखा रहा है ना, ये जो पावर सप्लाई में जैसा दिखाता है इसके अंदर भी वैसा ही दिखाता है। देखिए, इसके अंदर पूरा फ़ोन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड पावर सप्लाई समझ लो आप। ये अभी जो चार्ज के ऊपर चल रहा है, ये जो मैंने चार्जिंग लगाया है उसके ऊपर चल रहा है ये वाला। अब देख सकते हैं पूरा भी चल रहा है। उसके बाद में जो ये वाला, जो ये बैटरी कनेक्टर, आपकी बैटरी अगर चार्ज नहीं रहा तो आप चेक करने के लिए नहीं आएगा। अगर ये केबल के अंदर आप आराम से इसको भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी इसको भी दिखाऊंगा आप, ये फ़ोन भी कैसा लगाना है। आप इसको भी कनेक्ट करके इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर में एम्पेयर दिखाता है, जो रीडिंग दिखा रहा है, जो जैसे ही पावर सप्लाई में दिखाता है इसमें भी वैसे ही सेम दिखाता है। तो ये आपको हर हर इसके अंदर केबल आ जाएगा, इसका जो कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर जो भी मॉडल का है। तो सैमसंग का तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल पूरा भी है, दूसरे का भी आ जाएगा, जैसे कि ओप्पो, वीवो, MI जो भी है आ जाएगा। तो इसके साथ में इधर आपको ये दिखाता हूँ, इधर 1 2 3 4 5 6 पोर्ट है इसके अंदर। लेकिन ये चार पोर्ट के अंदर आप सिर्फ बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो दो वाला पोर्ट के अंदर आपको बैटरी के लिए कनेक्ट नहीं होगा, ये USB पोर्ट दिया है, जो फ़ोन चार्ज के लिए दिया है ये वाला। आप ये फ़ोन के अंदर USB लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो USB केबल लगा के। तो दूसरे ऐसे बहुत सारे मॉडल आते हैं लेकिन उसकी उतनी क्वालिटी नहीं रहती है। ये जो मैकेनिक का है, क्वालिटी बहुत अच्छा क्वालिटी है, जो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा इसके ऊपर आप खर्च करेंगे। तो इसके साथ में आपको कितना टोटल कितना केबल आएगा, ये पूरा चार वायर का एक सेटअप है। ये इसके साथ में इतना केबल आप देख सकते हैं, ये केबल, ये पूरा चार केबल आएगा। ये केबल के अंदर आपको कितना कनेक्टर मिलेगा,
चार कनेक्टर मिलेगा। ये केबल के अंदर आपको चार कनेक्टर आता है इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने यू इंक लगाया है ये, लेकिन कंपनी तो अच्छा है, लेकिन ये कंपनी में कंपनी वाला ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था। ये जो वाला ऊपर का प्लेट है, ये पूरा भी ग्राउंड रहता है। मेरे इसमें क्या हो गया था, ऐसा ग्राउंड दोनों को टच हो गया था। ऐसा दोनों को टच होने के बाद शॉर्ट हो के दो कनेक्टर मेरे वेस्ट हो गए। तो इसे आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये वाला पिन देख सकते हैं, आप ये वाला पिन देख सकते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट हो गया था मेरे पास, ऐसा दोनों लग गया था। लग के शॉर्ट हो जाने पर यह ख़राब हो गया मेरा, दोनों पिन भी ख़राब हो गया। इसलिए मैंने इसके बाद में ये पूरा यूवी इंक डाला है इधर। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा। जो भी पिन ऐसे लगेगा, ऐसा लग गया तो भी वो शॉर्ट नहीं होता। तो उसके पहले ये कंपनी वालों को देना चाहिए था ऐसा। तो कंपनी ने ये केबल तो अच्छा बनाया, लेकिन इधर छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया कंपनी वालों ने। ये वाला उन्होंने इसको क्या दिया है, ये जो यूइंग डाला है ना मैंने, वैसा ये पैकिंग नहीं किए। तो लेकिन ये केबल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं ये केबल। ये थोड़ा महंगा है, ये 2500 या 2000 कुछ है, मेरे को उतना याद नहीं है। लेकिन ये वाला केबल आपको वर्कआउट होगा, ये वाला। तो आपको हर एक बैटरी रखने की ज़रूरत नहीं है, यही केबल के अंदर आपको पूरा भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसके दो फायदे क्या हैं, आपको एक चार्जर पर भी कनेक्ट होगा ये, और ये दूसरा वाला पावर सप्लाई से भी कनेक्ट होगा। तो जैसे आप पावर सप्लाई में काम कर सकते हैं ना, वैसे ही इसमें भी काम कर सकते हैं आप। आपको हाई लेवल सर्विस करना है तो आपको पहले हाई लेवल का आपको टूल्स रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मैकेनिक का रखा है, उसके बाद आपको ये एक टूल दिखाता हूँ। ये यूनिट का मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक है, इसके अंदर वोल्टेज दिया, मिली वोल्टेज दिया, ये पूरा आप देख सकते हैं। पूरा भी डायोड दिया, बजर दिया, उसके बाद हर्ट्ज दिया। इसके अंदर पूरा चेकिंग हो सकता है। इसके अंदर टेम्परेचर दिखाता है, इसके बाद कैपेसिटर का भी इसके अंदर आपको वैल्यू दिखाता है ये मॉडल के अंदर। तो इससे आपको क्या होगा, आपको हर चीज़ भी चेकिंग मिल जाएगी आपको। तो आपको प्रोफेशनल के अंदर जो भी काम करना है, आपको हाई लेवल टूल के ऊपर काम करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा आपको। आप ऐसा वैसा टूल्स लेके काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट उसके बारे में उतना पक्का नहीं मिलेगा आपको। तो आपको मेन क्या है, टूल्स वाला अच्छा रखना पड़ता है आपको। जो मेरे पास अभी आने वाला टूल्स है, जो है टूल, अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक टूल के बारे में डिटेल बताऊंगा मैं, जो मैं कौन सा मेरे पास टूल है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो आपको कौन सा टूल लेना चाहिए। तो प्रोफेशनल वालों, जो प्रोफेशनल में काम करते हैं, जो हाई लेवल में काम करते हैं, वो लोग तो पूरा अच्छा अच्छा वाला टूल ही यूज़ करते हैं।